उत्तर प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और गैर कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों के खिलाफ बुलडोजर का कहर जारी है। अब ये बुलडोजर यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों में भी लोकप्रिय होता जा रहा है और उन राज्यों में भी अपनी अहमियत को साबित कर रहा है। इस क्रम में अब इस बुलडोजर ने अपना अगला पड़ाव हरियाणा में डाला, जहां रेवाड़ी में अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें रेवाड़ी की है, जहां बुलडोजर एक बार फिर से अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। अब स्थगित की जाती है, दो दुकानों को होगा, बाकी का स्टेशन अभी सब। कितनी दुकानों पे कार्रवाई, क्या कार्रवाई की गई? दो दुकानों की कार्रवाई की गई, टोटल सात दुकानें थी जिस पे चल रहा, बाकी पे सटे हैं। पांच दुकानों पे स्टे है, पांच पे नहीं, चार, हाँ पांच पे स्टे है, दो पे कर दिए, एक पे लिटिगेशन बता रहे हैं। वो अभी इनको, इन्होंने दो दिन का टाइम मांग लिया, इनका कोई वकील आ रहा हुआ है, वो कोई सर्टिफाइड कॉपी है कोई स्टे की पहले की, वो कह रहे थे हम लाके दें। नगर निगम के सचिव प्रवीण कुमार का कहना है कि किसी भी जमीन पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मेनली अवैध अतिक्रमण का मामला था, इसमें अभी दो दुकानें तोड़ी हैं और कुछ में आज माननीय अदालत ने स्टे दिया है, ठीक है, उसको भी जमीनेशन किया जा रहा है, उसके बाद कब से पेंडिंग है ये मामला? जिस तरह से काफी तीन चार महीने से काफी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा था, ठीक है, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी आज कुछ माननीय कोर्ट ने कुछ स्टे दिया है, उसको भी जमीनेशन कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में, इसको उचित कार्रवाई की जाएगी।